कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम अनुपूरक बजट में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 अनुसार नियमितीकरण एवं आउटसोर्सिंग बंद नहीं कर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। पहले 10 दिन में नियमित करने का वादा, फिर अगले वर्ष, फिर कोरोना का बहाना, फिर पूरक बजट में करने का आश्वासन, केवल आश्वासन रहा है। और कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के सपनों पर एक कुठाराघात किया है। हम सरकार की इस कृत्य से काफ़ी आक्रोशित हैं और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के समस्त संगठनों के साथ में अपना संघर्ष जारी रखेगा। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।